तो बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन जस्ट वन मिनट देखिए पहला मेथड आपका सब्लिमेशन जिसमें अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका सब्लाइम हो सकता है मतलब डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर फेज में जा सकता है और उसकी इंप्योरिटीज नॉन सब्लाइमेबल है उनको सेपरेट करने के लिए सेकंड इज आपका क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन की प्रिंसिपल क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे तो स्पैरिंगली सॉलेबल होता है पर थोड़ा हाई टेम्परेचर पे अच्छे से घुल जाता है तो हम हाई टेम्परेचर पे उसको डिजोल्व करके फिर एक सैचुरेट सोल्यूशन बना के उसको धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं जिस क्रिस्टल बनते हैं क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेते हैं हम प्योरिफिकेशन के थ्रू मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन एक आगे सिंपल डिस्टिलेशन जिससे क्लोरोफॉर्म और एनिलिन के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफ़ी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी कम रहता है वहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है जैसे कि क्रूड ऑयल को सेपरेट करने के लिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस में पेट्रोलियम इंडस्ट्री में देन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस प्रेशर का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पर या तो बॉयलिंग पॉइंट बहुत हाई है या उतने हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होने के चांसेज हैं जैसे ग्लिसरोल को स्पेंटलाइज से सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यहां पर भी क्या है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर इनसॉल्यूबल होना चाहिए तब आप स्टीम डिस्टिलेशन का यूज कर पाएंगे जैसे एनिलिन को एनिलिन वाटर मिक्सचर से सेपरेट करना है नेक्स्ट इज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यहां पर एक सूटेबल सॉल्वेंट को यूज किया जाता है जिसमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा अच्छे से घुल पाता है तो वो एक्वस फेज से दूसरे सॉल्वेंट में ट्रांसफर हो जाएगा देन क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी में एक आपके पास आ गया स्टेशनरी फेज एक आ गया मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज ऑब्वियस ही बात है जो स्टेशनरी रहता है ये सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है मोबाइल फेज या तो प्योर सॉल्वेंट होगा या फिर मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स होगा या फिर गैस होगा तो स्टेशनरी फेज के एग्जाम्पल है लाइक सिलिका जल और एलुमिना क्रोमेटोग्राफी को बेसिकली दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं क्लासिफाई करते हैं एड्जॉप्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एड्जॉप्शन की फर्दर सब कैटेगरीज हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन की पेपर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सॉलिड आपका स्टेशनरी फेज है दैट इज पेपर के ऊपर ये जो स्पेशली डिजाइन पेपर होता है उसके ऊपर वाटर ट्रैप किया होता है दैट एक्ट्स एज अ स्टेशनरी फेज और इसमें जो आर की वैल्यू आती है रिटार्डेशन फैक्टर आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एड्जॉप्शन मतलब जितना कम आर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो कंपोनेंट एब्जॉर्ब हुआ है तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा टू द पॉइंट एंड अगर अच्छा लगा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू नोट्स आर अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में